दोस्तों आज है आईपीएल 2020 का आठवां मुकाबला, तो ये मैच खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम को 4:30 बजे से अबू धाबी के स्टेडियम पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी मैच के ऊपर नजर डालने वाले हैं, प्रेडिक्शन प्रीव्यू किया है, मेरा ओपिनियन और वेदर फॉरकास्ट पिच रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले बैटिंग करने वाले टीम की मैक्सिमम स्कोर क्या रहने वाले है और इसके अलावा कौन से प्लेयर आज कमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे माइलस्टोन है जो आज के मैच में क्रिएट हो सकते हैं, तो सब कुछ एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वेदर की, तो अबू धाबी की आज वेदर रहने वाला है मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो रहने वाला है 37 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहने वाला है 29 डिग्री सेल्सियस और जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है 89%, जिसकी वजह से प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा पसीना आएंगे। दूसरी पारी रहेगी उसमें उस आने की बहुत ही ज़्यादा आशंका है, मतलब ड्यू फैक्टर इस मैच में भी प्रभाव डालने वाला है। तो इसीलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी तो सबसे पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी, अपने पास ये एडवांटेज जरूर से रखेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें पिच रिपोर्ट की, यूएई के पिच तो आप लोगों को पता ही है बिल्कुल स्लो रहने वाला है, लेकिन ये पिच थोड़ा सा अलग रहने वाला है क्योंकि ये दोनों बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को ही मदद करेंगे। तो पिच थोड़ी सी स्लो होने की वजह से स्पिनर्स इस गेम में हावी रहेंगे, स्पिनर्स का दबदबा आज भी रहने वाला है। तो जिस भी टीम का स्पिनर्स आज चल जाते हैं वही टीम आज मैच जीत सकता है। तो इस मैदान की अगर हम लोग एवरेज स्कोर की बात करें तो वो है 150 रन। तो आज भी जो टीम पहले बैटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि 107 से 180 के बीच उनका स्कोर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग हेड टू हेड की बात करें कोलकाता और हैदराबाद की, तो आईपीएल की हिस्ट्री में इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं 17 मैचेस, जिसमें कोलकाता जीते हैं 10 और हैदराबाद जीते हैं सिर्फ 7 मैचेस। तो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो कोलकाता का पलड़ा हैदराबाद के मुकाबले भारी है। तो अब बात करते हैं आज के मैच में कौन से प्लेयर कमाल कर सकते हैं। तो कोलकाता की टीम की बात करें तो आज मुझे लगता है मसल वाला रसल कमाल करेंगे और इसके अलावा पेस बॉलिंग के अंदर शिवम माबी शायद आज भी अच्छी गेंदबाजी करने वाला है और मुझे लगता है कि आज दिनेश कार्तिक भी अच्छी पारी खेलेंगे। और मेरे को सुनील नारायण से आज बैटिंग में उम्मीदें नहीं है क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जानते हैं उनको आउट करना, तो सुनील नारायण शायद आज जल्दी से आउट हो जाएंगे। बॉलिंग में क्या करता है देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग हैदराबाद की टीम की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार आज अच्छी गेंदबाजी करेंगे मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा आज वार्नर से भी हम लोग एक अच्छी पारी देख सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में भी वो अनलकी रहे थे और हैदराबाद की टीम को जोनी बेस्त्रो से भी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीदें रहेगी। तो ये तीनों अगर चल जाता हैदराबाद के लिए तो कोलकाता का जीतना आज मुश्किल है। तो अब बात करते हैं आज के मैच में कौन से ऐसे माइलस्टोन है जो बन सकते हैं। तो एंड्रू रसेल आज एक माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं, वो अपने आईपीएल के करियर में 1500 रन बनाने से सिर्फ 89 रन पीछे है। अगर आज मसल वाला रसेल 89 या फिर उससे ज्यादा रन बनाते हैं तो आईपीएल के करियर में वो 1500 रन बना लेंगे। इसके अलावा हैदराबाद की तरफ से सिद्धार्थ कोल भी एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो वो अपने आईपीएल के करियर में 50 विकेट से सिर्फ एक विकेट दूर। तो अगर आज सिद्धार्थ कोल खेलते हैं और एक विकेट झटकाते हैं तो वो अपने आईपीएल के करियर में 50 विकेट पूरे कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों सुनील नारायण भी एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, अगर वो आज 5 छक्के लगा देते हैं तो आईपीएल के हिस्ट्री में वो 50 छक्के लगाने वाले बैट्समैनों की सूची में आ जाएंगे। इसके अलावा हैदराबाद की संदीप शर्मा के पास भी एक मौका है, अगर वो आज 5 विकेट झटकाते हैं तो आईपीएल के हिस्ट्री में वो भी अपना जो 100 विकेट है वो पूरा कर लेंगे। तो संदीप शर्मा अगर आज 5 विकेट हॉल एक लेते हैं तो वो आईपीएल के हिस्ट्री में अपना जो 100 विकेट है वो पूरा कर लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड आज बनने वाला है। तो वैसे आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कौन सा माइलस्टोन आज बनने वाला है। तो अब हम लोग नजर डाल लेते हैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के ऊपर, क्योंकि आईपीएल के अभी तक कुछ मुकाबले हो चुके हैं तो इस लिस्ट के ऊपर भी नजर डालना तो बनता है। तो ऑरेंज कैप की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है फाफ डुप्लेसिस, जो कि चेन्नई के लिए खेलते हैं, तो 173 रन बना चुके हैं, वो अब तक 3 मैच खेले हैं उन्होंने। तो दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर है केएल राहुल, जिन्होंने बनाए हैं 2 मैचों में 153 रन। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग पर्पल कैप की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर है कागिसो रबाडा, तो उन्होंने 5 विकेट झटकाए हैं, और दूसरे ही नंबर पर है सैम करन, उन्होंने भी 5 विकेट ही झटकाए हैं। रबाडा अपने इकोनॉमी के लिहाज से ऊपर है और सैम करन से उन्होंने 1 मैच कम खेला है। तो अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, यानी कि मेरा ओपिनियन, ठीक है। तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि आज कोलकाता जीतने वाले है। मेरे को लगता है कि आज मसल वाला रसल का बल्ला चलेगा, गेंदबाजी वो तो अच्छे कर ही रहे हैं, उनके पहले मैच में भी हम लोगों ने देखा था, और इसके अलावा दिनेश कार्तिक भी आज अच्छा करेंगे मुझे ऐसा लगता है। तो केकेआर आज का मैच जीतेगा, यही मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो वैसे कल का प्रेडिक्शन मेरा बिल्कुल भी गलत गया है और चेन्नई बुरी तरीके से हारा था,
दिल्ली के खिलाफ। तो आज देखते हैं, तो कल एक और वीडियो में हम लोग इसके बारे में तो बात कर ही लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर देना। तो इसी प्रकार का वीडियो अगर आप डेली पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।